आज बनाएंगे ये हेल्दी पिज़्ज़ा पराठा जो बच्चों का फेवरेट है। तो चलिए इसे बनाते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम एक बोल में लेंगे 1 कप आटा, 1/4 चम्मच नमक, 1 चम्मच तेल। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालें और इसका एक नरम आटा तैयार करेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लें। अब इस आटे को छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। एक दूसरे बोल में डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज, 1 कटा हुआ शिमला मिर्च, थोड़े से चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों के लिए बनाएं तो चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच ओरिगैनो, 1/4 चम्मच मेयोनीज, ये वेज मेयोनीज है, 1 चम्मच टोमेटो सॉस। सॉस अभी हम थोड़ा सा ही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बाद में भी हमें सॉस की ज़रूरत पड़ेगी, और चुटकी भर नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तैयार है हमारा पिज़्ज़ा की स्टफिंग। 20 मिनट बाद आटे की एक लोई तैयार करें। इसे आटे से अच्छे से कोट करें। इसे हल्का हल्का प्रेस करें। फिर हम इसे बेलेंगे। इसे थोड़े बड़ी आकार में ही बेलें। बेलने के बाद इसमें डालें 1 चम्मच टोमेटो सॉस। सॉस को फैला लें। उसके बाद इसमें डालेंगे हमारी तैयार की हुई स्टफिंग। स्टफिंग को हल्का हल्का प्रेस करें और इसे एक स्क्वायर शेप दें। ध्यान रखें सॉस ज़्यादा ना लगाएं वरना हमारे पराठे फट सकते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे चीज़। चीज़ को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। मैं यहाँ पे थोड़े से चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे के किनारों पर अच्छे से पानी लगा लें। उसके बाद इसे चारों तरफ से फोल्ड करें और एक स्क्वायर आकार दें। फोल्ड करने के बाद हल्का सा प्रेस करें, फिर फोल्ड करेंगे और फिर प्रेस करेंगे। ऐसे ही करते हुए चारों तरफ से फोल्ड कर लें। ये एक लास्ट टाइम प्रेस कर ले। कढ़ाई में डालेंगे तेल। आप चाहे तो तेल की जगह मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे पराठा। पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से सुनहरा कर लेंगे। तो ये सुनहरा हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। तो मैं आपको ये पराठा काट कर दिखाती हूँ। ये पराठा आप ज़रूर बना कर खाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।